नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड के बनिया बिगहा गांव निवासी रतन यादव पर प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा गलत तरीके से आवास सहायक से गलत जियो टैगिंग कराकर पैसे निकासी को लेकर लाभुक व आवास सहायक पर वीडियो कुंज बिहारी सिंह द्वारा प्राथमिक दर्ज कराई गई है। बताया जाता है कि लाभुक रतन यादव ने आवास सहायक मुकेश कुमार से अपने भाई की मकान पर जियो टेंडिंग करवा कर आवास योजना का पहला और दूसरा और तीसरा किस्त का पैसा का निकासी करवा लिया। आवास पर्यवेक्षक अजीत कुमार के द्वारा जांच किया गया तो जांच में रतन यादव का मकान बना ही नहीं देखा गया, जिसका रिपोर्ट प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के अनुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी ने स्वयं जाकर जाँच किया तो मकान नहीं बना पाया। 1,30,000 रुपये की निकासी हो जाने के कारण वीडियो कुंज बिहारी सिंह ने लाभुक और आवास सहायक पर प्राथमिक दर्ज कराई है। वहीं लाभुक रतन यादव और आवास सहायक मुकेश कुमार ने बताया कि पर्यवेक्षक द्वारा रुपए ऐंठने को लेकर वीडियो संघ मिलकर दोनों पर प्राथमिक दर्ज कराया गया। देखिए नवादा से C24 लाइव के लिए संवाददाता अमृत गुप्ता की रिपोर्ट। ग्राम बनिया बिघा में रतन यादव द्वितीय वर्ष 16-17 का लाभार्थी है। उसका फर्स्ट एंड सेकेंड किस्त गया था और अजीत जी पर्यवेक्षक और मैं आवास सहायक मुकेश कुमार साथ में जांच में गया था और उसका भाई का घर का फोटो भिजवा दिया गलतफहमी में। अजीत जी पर्यवेक्षक भी थे और फिर लगातार थर्ड किस्त भी चला गया उसी घर पर, पीछे वाला भाई का घर पर, और बोला गया कि यही घर है। और बाद में डिमांड हुआ पर्यवेक्षक से 10,000 उसको फर्स्ट किस्त में दिया गया था, सेकेंड में मांगा गया था, तो बोला थर्ड किस्त भेजो तो पैसा देंगे, और फिर दिया पैसा नहीं, बोला कि हम घर बनाएंगे तो फिर 10,000 देंगे। इसी वजह इस पर कार्रवाई की गई। ये बताइए आपकी जो जब आप पर्यवेक्षक दोनों गए थे रतन यादव का घर देखने के लिए, तो क्या उस समय बन रहा था या फिर वैसा ही पुराना की तरह खड़ा था? पुराना इसका मकान तो कच्चा था, वो बनाया नहीं था। आप दूसरा किस्त किस आधार पर दिए? पीछे वाला मकान दिखा कर दिए थे। कौन दिखाया? रतन यादव दिखाया था अजीत तो जी, आप... और अजीत जी मेरे पर्यवेक्षक थे, वो बोले कि चलो ठीक है इस घर पे खींच कर देगो फोटो। मतलब दूसरा का घर दिखा दिया? हाँ, भाई तो पर्यवेक्षक जब जान रहे थे कि हमने फोटो जब टैगिंग किए थे और जब फोटो खींचे थे लाभुक का, हाँ, तो उसमें मिट्टी का घर था, हाँ, तो फिर जब किस्त एक किस्त गया था तो एक मंजिला मकान बना हुआ, फिर आप दूसरा किस्त कैसे दे दिए? वो अजीत जी सामने थे, वो पीछे वाला बोला कि इसी घर पर घींच दो, घर बना लेगा ये अपना। कौन बोले थे? अजीत। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार, आवास सहायक। अजीत यादव पर्यवेक्षक साहब ने सर, उन्हीं से बात हुआ था सर, पैसा उन्हीं से बात हुआ था, 20,000 रुपये मांगा था सर, तो 20,000 में हम 10,000 ने दिए सर। उसके बाद थोड़ा दिन के बाद फिर घर पैसा मांगने के लिए आया तो मेरे पास पैसा थोड़ा सर नहीं था उस टाइम पैसा हम देने नहीं सका, तो उस टाइम भी उल्टा पुल्टा गाला गाली किया, बस साला तुम्हारा पैसा पूरा निकाल दिया, तुम भी बदमाशी कर रहा है, तुम्हें बता देता है, तुम्हारे पर FIR कर देंगे, तुम्हारे फंसा देंगे बही तरह से, समझे सर। और 10,000 दिए, 10,000 मांगा, फिर 10,000 देने नहीं सके सर, हम सोचा बाद में दे देंगे, तब तक फिर सर ये हमको उल्टा केस कर फंसा दिए, FIR कर दिए सर, आप क्या बोले? ये पैसा आप दिए हैं, पैसा निकालने के बाद दिए? हाँ सर, निकालने के बाद दिए, और 10,000 मांगा, हम बोला 10,000 बाद में दे देंगे। और मकान उकान बनाने के लिए नहीं बोला था वो? मकान बोला था सर बनाने के लिए, तो थोड़ा लॉकडाउन हो गया ना सर, हाँ, तो बोला ठीक है नहीं भी काल नहीं भी बना हुआ अभी, तो पैसा आपको कहा जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हम समझेंगे क्या होगा नहीं होगा सर। और सर बगल वाला घर का फोटो ले लिया, पैसा निकाल के सर दे दिया सर, और फिर 10,000 मांगा नहीं दिया सर, तो वही भरी ये ऐसा फसान फसा रहा है, हम गरीब आदमी कहाँ। नाम है? रतन यादव। कहाँ घर है? बनिया बिघा सर।